हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आज की इस रेसिपी में सीखने वाले हैं ब्रोकली के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी। आप ब्रोकली की इस रेसिपी को एक बार बनाकर खाएं, यह बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने बहुत ही हेल्दी और कलरफुल सब्जियों को लिया है। ब्रोकली को फूल गोभी जैसा ही काट लिया है मीडियम साइज के पीसेस में, और हमने थोड़ा सा येल्लो और ग्रीन कैप्सिकम लिया है, गाजर, टोमेटो, पनीर, हरी मिर्च और धनिया के पत्ते। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में गर्म पानी करके रखा है और इसमें अब ब्रोकली को डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डालेंगे। ब्रोकली को हम एक मिनट के लिए ही उबालेंगे ताकि ये इसका ग्रीन कलर और निखर कर आए, और अगर इसमें कोई कीड़ा हो तो वो भी निकल जाएगा। ज़्यादा देर नहीं उबालना है, सिर्फ एक मिनट तक। फिर ब्रोकली को निकाल कर हम अलग रख देंगे। फिर अब हमने कढ़ाई में 5 से 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल के अच्छे से गर्म हो जाने पर इसमें छोटे पीसेस में कट किए हुए पनीर को डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन करके प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 2 से 3 लौंग, 1 इलायची और थोड़ा सा दालचीनी। फिर अब एक एक करके सब्जियों को ऐड करेंगे, गाजर, कैप्सिकम, हरी मिर्च, टोमेटो। सब्जियों को थोड़ा सा चलाएंगे, फिर इसमें डालेंगे अदरक जीरा का पेस्ट। मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स करके ऐड करेंगे मूंगफली और पोस्तों के पेस्ट को। भेज सब्जियों में मूंगफली और पोस्तों का पेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। 1/2 टेबल स्पून काले मिर्च पाउडर डालेंगे। सब्जियों को अच्छे से मिक्स करके ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। मसालों और सब्जियों को 1 मिनट तक भूनेंगे। एक मिनट हो गया है और अब इसमें ब्रोकली को डालेंगे। सभी सब्जियों और मसालों के साथ ब्रोकली को मिक्स करेंगे। बहुत ही बढ़िया सा स्मेल आ रहा है और हमारी यह सब्जी भी कितनी कलरफुल लग रही है। 1 मिनट तक सब्जियों को चलाएंगे। एक मिनट हो गया है तो अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है ब्रोकली की सब्जी में। सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर अब इसमें ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। गैस के फ्लेम को इस वक्त मीडियम पर रखना है। दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं और अब सब्जी को चेक कर लेते हैं। सभी सब्जी पक चुकी है तो अब इसमें पनीर को ऐड कर देंगे। हल्के हाथों से सब्जी को मिक्स करते हुए चलाएंगे। 1/2 चम्मच ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर। इस मसाला पाउडर को आप घर में बनाकर स्टोर कर लें और सब्जी में ऐड करें। सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी तो हमारी बन चुकी है। अब इसमें सबसे लास्ट में 1 चम्मच घी डालेंगे। आप घी या बटर कोई भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड करेंगे। और अब यह गरम गरम ब्रोकली की सब्जी सर्व कर लेंगे। ब्रोकली की इस रेसिपी को पूरी, पराठा, चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे, और हाँ, चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी ऐसी ही रेसिपीज आपको सबसे पहले मिले। बहुत ही टेस्टी ब्रोकली की सब्जी बनी है। मैं तो जा रही हूँ अभी इसे खाने। आप भी बनाकर ज़रूर खाएं और हमें कमेंट करें कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर से एक नए रेसिपी में। तब तक के लिए बाय।